तू जा छुट्टी पे चला जा। बिजनेस सेट होने ही जा रहा था कि तकदीर ने टांग दे दी। तू भी तो आदमी से बंदर हो गया। डांस कंपटीशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का क्या कसूर? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। गोपाल का कुछ करना? लेकिन तू कर भी क्या सकता है? तू क्या कहना चाहता? मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं, कर सकता है। उसके हाथे ही उसके पैर पड़ सकता है, उसके सामने माफी का मुजरा कर सकता है। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी, बहुत पकपक कर रहा है तू। ए, इसमें इसका क्या कसूर यार? गुस्सा उस पर उतारना। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो। माँ का दूध तो मैंने पिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं साले को देखना। पहले पकड़ तो सही। अरे तू भी यार। हाँ, उस दिन गोपाल ने निराली के सामने तुझे बावर्ची का, तब भी तू चुप बैठा। हाँ लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। उस दिन मैं चुप बैठा था पता है क्यों? बावर्ची हिट हुई थी पता है? उसका रीमेक कर करके कितने लोग हीरो नंबर 1 हो गए। मतलब उसको छोड़ता नहीं, कसम से बता रहा हूँ। हाँ, पूरी रेस जीतने के बावजूद भी लड़की के सामने 0 नंबर 1 बन गया। लकी, लेकिन ये कर भी क्या सकता है यार। तू बहुत बोल रहा है, तू बहुत बोल रहा है। अरे सुन तो। छोड़ यार। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूं यार, मैं क्या कर सकता हूं? उसकी हड्डी पसली तोड़ के, दांत तोड़ के, उसको लंगड़ा बनाकर दिखा। अगर एक बाप की औलाद है तो। नहीं। क्या एक बाप की औलाद नहीं है? अरे नहीं यार, वो नहीं। ये तो 1980s की पिक्चर में होता है टांग वांग तोड़ना। मैं तो सलिया लूंगा, सर फोड़ दूंगा उसका। स्लो टॉर्चर चल जाती है। सच? यस 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 यस। उतर गया बोतल में। ये गोंगे ने क्या बोला? नहीं नहीं, ये बोल रहा है तू जो कर रहा है सही कर रहा है एकदम। तू उसके सामने थोड़ी ना बोलते। देखना वो बच ना जाए। अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तू हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को? नहीं नहीं, हिम्मत रख तू। तू देखना उसके सर पे ऐसा पटका मारूंगा ना, अंधा हो जाएगा वो, जिंदगी भर सॉरी सॉरी बोलता फिरेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सर पड़ जाएगा उसका देखना। अच्छा वो अंधा हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, इससे तो इंटरेस्ट नहीं है। निराली मेरी हो जाएगी। वो आ गया वो। मुझे अचानक याद आ रहा कि मुझे सुसु आ रही है। ठीक है, बाथरूम में रेडी रखता हूँ, तू मार के तो आ। थैंक यू। हम है तेरे साथ, चल। अरे ये क्या किया तूने? लगता है जान से मार दिया तूने। जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रोड से मारा था। लेकिन तू तो सिर्फ अंधा करने वाला था ना उसे। ये तो अंधा पड़ा। कौन है? अबे भूत देखा क्या? पता नहीं। कौन है ये? क्या बोल रहा है ये? हाँ वो आज तो कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त। ओ, 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 ओ। ये बोल रहा है इसे भूख लगी है। ये और ना ओत उ ब्रुम ए ओइंग ए ओइंग ए ओइंग। चुप माया ओ। अबे तेरी वो किधर गया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन था। दादाजी का कोई लफड़ा तो नहीं है? छी 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 छी, दादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। नहीं यार, दादाजी भी तो हो सकते हैं। हाँ लेकिन गोपाल तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई रोड से नहीं मारेगा। तू चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना बनाया? पतला हो गया तू। मायो तू जा छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ।
तारामूला चला जा, कुछ और प्लान है मेरे पास, जा। जय मदर मेरी। दादाजी और करूं? दादाजी आपका किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं है? झगड़ा? अंधा कहाँ जाएगा लड़ाई झगड़ा करने, उधार की जिंदगी अपने आप से ही लड़ रहे हैं। नहीं मेरा मतलब है किसी से उधार या कुछ। हाँ वैसे तो उधार था मेरा एक पे, तेरे बाप पे, वो उसने चुका दिया बेटे, तुझे यहां जो भेज दिया। दादा दादी अंदर आ गया वापस। हो आ गया तू? दादी दादाजी जीते रहो जीते रहो। अरे तू वापस फिर से कैसे आ गया भाई? शिप से। अच्छा फ्लाइट के पैसे नहीं थे? अरे थे दादाजी, बिजनेस सेट होने ही जा रहा था कि तकदीर ने टांग दे दी, पूरा लॉस एंजलिस हो गया। लॉस एंजलिस। समीर ये हमारा नौकर पांडू है। अच्छा मिस्टर पांडू रख, अब आप वापस कब जाओगे भाई? कम ऑन दादाजी, अब मैं जिंदगी भर यहीं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। ये बेचारा नौकरी करके पैसे बचाता है और फिर बिजनेस करने दुबई चला जाता है और वहां से कंगाल होकर फिर से गोवा। ये क्या दादाजी, ये क्या, कुछ दिनों के लिए मैं चला क्या गया, आपने नया नौकर रख लिया? नॉट फेयर। ये नया नौकर नहीं है, ये हमारा पोता समीर है। स्टूपिड। अरे बचपन में तूने इसे देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। समीर इतना बड़ा हो गया? अरे तू तो बच्चे से आदमी बन गया। तू भी तो आदमी से बंदर हो गया। आप कौन? अरे वही तो समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ये समीर है। ये कौन है? अरे वही तो समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ओके ये समीर है। हाँ ये समीर है, ये समीर है। ये कौन है? अबे बोला ना मैं समीर हूँ। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। करेक्ट। माना कि तुम समीर हो, तो फिर बाकी तीन कौन है? तीन तो फिर से पी के आया पांडुरंगा, इस घर में नशा किया है तूने? वही सोचूं मैं दादाजी, ये हिल क्यों रहा है? तू चुप। दादाजी दादाजी तीन नहीं, चार चार, चार समीर है। इसे चार चार भी दिख रहे हैं अब? चार? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तू क्या पी के आया है, क्या पी के आया तू बोल। दादाजी मिक्स तो दूर की बात, माँ कसम, माँ की कसम खाता दारू पी के? दादाजी मैं आपको दिखाता हूँ, सुंघाता हूँ। क्या हुआ? अरे दादाजी ये तो चल भी नहीं पा रहा है अब, पर इससे तो बात करना ही बेकार। अरे सुनिए हमें मंदिर जाना है। हाँ। समीर बेटा। हाँ जी। ले जाएगा ना? बहुत बेकार हो गया है ये पांडू। ए पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ रहना है तो अपने काम से काम रखना, समझा? समीर बेटा आज मेरी मन्नत पूरी हुई, ये ले इसको छुट्टा करके गरीबों में बांट दे। हाँ 1000 का पत्ता है। हाँ आओ। सॉरी दादी जी, पर यहाँ सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ। सॉरी भगवान जी। आखरी देवाद, देवाद। अरे दादाजी आप? अरे मैं आप ही के आने वाली थी। क्यों आचार खत्म हो गया? नहीं नहीं एक्चुअली कल मेरे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन है जिसमें मैं हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा। और मुझे किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीतना है। हाँ। इसलिए बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए था। हाँ। है आशीर्वाद है हमारा, तुम जरूर जीतोगी। ठीक है ठीक है, लेकिन आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आप दोनों को वहाँ पे आना भी पड़ेगा। अरे बेटी हम दोनों तो नहीं आ सकते, लेकिन समीर है ना, समीर है। ठीक है ऑल द बेस्ट बेटा। घर आना।
नहीं वो क्या है, बेचारे अंधे हैं ना, तो मुझे समीर समझ कर यहाँ ले आए। मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आप भी प्लीज़ कुछ कहिएगा माता, और मुझे भी थोड़ी देर के लिए दादा दादी जी का प्यार मिल जाएगा। और हाँ, डांस कॉम्पिटिशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगा कि आप ही को जिताएं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। क्या ढूंढ रहा साहब? फोरानस चवन्नी गिर गई थी, ढूंढ रहा था। आयो। ये तो बोल रहा है कल तू इस कमरे में आया ही नहीं था। ये कब बोला? हवा चल रही थी, चवन्नी उड़ के आई होगी, फिर कभी ढूंढ लूंगा। ओके सुन, क्या ढूंढ रहा था? मैं कुछ नहीं बाबा, एक चमाट मारूंगा ना तो ऐसा खड़खड़ बिखर जाएगा। मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं। आप लोग कभी गैंग बैंग देखा है? नहीं। देखेगा? ओके। अरे बाबा तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना मर जाओगे। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं जाता हूँ, इसकी मार के आता हूँ। समझ रहा हूँ मैं। तू जाना हीरो तो तू है ना, इसलिए तो मार नहीं खाना चाहता हूँ। माफ कर देते, जाओ माफ किया तुमको, तुम अपनी चवनी ढूंढो, जाओ जा। क्यों बे छिपकली गैंग बैंग, एक साथ पूरी गैंग को बैंग कर दिया मैंने। उठो, शुक्र मनाओ कि आज मेरी तबीयत खराब है, वरना ऐसा मारता ऐसा डसता। उठो उठो, लगता है अंधे ने हिजड़ों की फौज जमा कर रखी है। अपन हुआ और आने ई और आने ई और आने ई ओ होत होत और आने होत ए आ ए ओ ई ई ई ई ई ए ए उप हे इप हे उप और आने होत आ ए ओ आ ए उ हे और आने होत हे और आने होत हे आ ए उ वो वो और वार या होत तू और वार वार या हर और होत आ। क्या बोला? ये बोल रहा है कि ए रुक। Hey!
बोलते हैं गैंग बैंग। क्या ढूंढ रहा था बे? संदूक, उसके ताले की चाबी। तू तो यहाँ काम करता है ना, तुझे नहीं मालूम संदूक कहाँ है? दूर है, दूर। बुड्ढा, बुड्ढा चालू है बहुत, भरोसा नहीं उसका, कहीं भी छुपा सकता है। बदतमीज अपने मालिक को बूढ़ा बोलता है, चालू बोलता है। चल निकल यहाँ से, वरना कुकर में डाल के सीटी बजा दूंगा। उसको बोल इज्जत से बात करे। ओके कमीने, वो इज्जत से ही बात कर रहे थे ऐसे। आई सी, तेरे को शर्म नहीं आती? जिस घर में खाया पिया नंगा लाया उसी में छेद, साले शक्ति कपूर, तू तो क्या कर रहा है? देख लूंगा सबको। चड्डी में से हाथ निकाल, फिर दिखाना। संदूक, संदूक, संदूक। ए, मेरे पास 1% भी टाइम नहीं है, कल वो डांस कॉम्पिटिशन और मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। डांस कॉम्पिटिशन? डांस कॉम्पिटिशन? चुप। घास कटिंग कंपटीशन, यहाँ के जो बंगलो है ना उनके मालिकों ने खास कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया बस। घास कटिंग कंपटीशन? सच सच बता, वरना वो हाल करूंगा, ये खड़ा भी होगा तो लोग बोलेंगे क्या डांस कर रहा है। नहीं कल वो डांस कंपटीशन है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। किसके साथ? निराली। निराली के साथ? कहाँ गया? जाने दे यार, ठीक है ना, छोड़ कैंसिल। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है ना? नहीं, अच्छी बात है। क्यों पूछ रहे हो? क्या हो रहा है मोंटी? मुझे क्या पता, प्लीज जाके चेक करो अभी। ठीक है, मैं देख के आता हूं। What the hell? कहां है यार ये दोनों? ओए इधर तो संजू बाबा, वसूली जी तो संजय दत्त लगते हैं ना। हाँ देखो देखो, मेरे पास है पैसे, कसम से मैं इस बार पैसे लाया हूँ, मेरी जेब में है, मेरी जेब में नहीं, सॉरी, मैंने दोस्त को दिया रखने के लिए। वो वहाँ है, अबे यहाँ पे, यहीं कहीं खेल रहा था वो लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी। अबे इस जीत के असली हकदार आप लोग हैं, बाकी तीन कहाँ है? नहीं, बाकी तीन वो तो मेरे सपोर्टर्स हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा, पता नहीं तुम अगर सही वक्त पे नहीं आते तो क्या हो जाता। तुमने शायद मेरी जीत के लिए भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, है ना? जी हाँ, बड़ी ईमानदारी से। वैसे मैं एक कलाकार हूँ। हाँ हाँ, और आप? मुझे पेंटिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, लेकिन क्या करूँ, सिर्फ कला से तो घर नहीं चलता है ना। हाँ, इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी माँ एक कलेक्टर थी। टिकट कलेक्टर? नहीं नहीं, IAS ऑफिसर। ओह सॉरी, मेरा बचपन बड़ी रईसी में गुजरा। तो फिर आप दादा दादी के यहाँ बर्तन क्यों मांजते हो? नहीं, वो इसलिए कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं भी एक कलेक्टर बनूं, और मेरी चाहत थी साधना। आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, कला की साधना। इसीलिए मैंने तय किया कि चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या है कि सच्चाई और ईमानदारी पे मुझे बहुत भरोसा है, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे सच्चे और ईमानदार लोग बहुत पसंद है। यानी कि आपको मैं भी पसंद हूं? इसने जो झूठ बोला, बेईमानी की, उसके लिए आपने इसको माफ कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो आपका डांस कॉम्पिटिशन था ना, तो इसे पता नहीं क्यों जलन हुई। आपका शो शुरू होते ही इसने स्पीकर्स के वायर काट दिए और सीडी निकाल दिया। ये? यही है ना? ये मैं, हाँ। मैं रख लेता हूँ, छोड़ो ये। और कहने लगा अब देखता हूँ कैसे जीतती है। तो मैंने इसे समझाया, अरे पागल, द शो मस्ट गो ऑन, तुझे मैंने इतना डांस सिखाया, वो कब काम आएगा, और धक्का मार दिया तब जाके ना चाहिए। फिर मैंने इसे समझाया कि अब जाके सॉरी बोल, सॉरी बोला ना तू? अच्छा हुआ आपने इसे माफ कर दिया, क्या है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। यू चीटर, मजाक कर रहा है ये, बड़ा मजाक क्या है ये? अब निराली जी, मेरी बाइक में बहुत जगह है, आपको तो पता ही है, आपको छोड़ दूं? आइए आइए, बहुत जगह है, मैं भी चलूं? मुजरा करें हम चार, और लड़की लेके जाए तू अकेला,
वसूली भाई। अबे तेरी। साला ये ले 10 रुपए, नागपंचमी है दूध पी लेना जा करके। कह रहा था कि पूरे घर का कोना कोना जानता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, सब मुझे ही करना पड़ेगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा। जाकर क्या लड़कियों को तरह आंसू बहा रहा है यार, थोड़ी तो खुन्नस दिखा। पर तू मर्द है कि नहीं? गोपाल ने तेरा इतना बड़ा मजाक उड़ाया, तू शांत बैठा है? तेरी माँ ने इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया? सिर्फ पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों ने एग्जाम्स कहाँ देनी थी? लेकिन प्यार के एग्जाम में तुझे खुला छोड़ा था ना, और तेरी लव स्टोरी बस पन्ने ही वाली थी कि बैंड बज गई। किसने बजाई? उसी कमीने ने। लेकिन निराली के सामने उसने तेरी भी तो, अरे मैंने फिर भी मोंटी की गाड़ी में छेद तो किया, तूने क्या किया? डांस डांस थ्रू सिस्टम का वायर ही तो काटा तूने। मेरी अच्छाई का अच्छा फायदा उठाया उसने। सुन काट डाल, तू काट डाल वायर, इलेक्ट्रिशियन है तू, गोपाल को काट डाल। काटना वाटना मुझसे नहीं होगा। क्या काटना वाटना तुझसे नहीं होगा? उसने क्या क्या किया तेरे साथ वो याद नहीं तुझे? तेरा कमरा छीन लिया उसने, और यहाँ आने के बाद तेरा खाना छीन लिया उसने। अरे खाना क्या, तेरा तो जीना छीन लिया यार उसने। ए तेरे से तेरी निराली भी छीन ली। करेक्ट। और वो रात याद है तुझे जब तेरे पास सोने के लिए चादर नहीं थी? कहाँ गई वो चादर, किसने ली? उसके वजह से गई चादर। मैं तेरी जगह पे होता ना, मैं उसके लिए कफन खरीदता था, कफन। तो आना मेरी जगह पे यार, मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? इतनी सी बात? मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के, सच्ची बता रहा हूं। हाँ हाँ तो ठीक है, चाय। हाँ कल सुबह की पहली चाय उसकी आखिरी चाय होगी। हाँ क्या कर रहे हो? डांस। ओ गोपाल। हाँ ए गोपू बोलना। गरम गरम चाय ले पी लेना। हाँ जाना। तुम लोग कुत्ते की तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? पहली बार मेरी शक्ल देखी क्या? आखिरी बार। क्यों तू फिर से सुसाइड कर रहा है क्या? गोपू तू इतनी मेहनत मत कर यार, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तू थोड़ी देर के लिए लेट जाना प्लीज। ए फ्लॉप एक्टर। फ्लॉप एक्टर बोलने की क्या जरूरत है? लेट हूँ या बैठू तुझे उससे क्या? बात तो बराबर है, तू लेटे या बैठे मुझे उससे क्या, लेकिन फाइनली तो तू लेट ही होने वाला है ना। लेट गोपाल। माधव उसे तंग मत कर। गोपू तू बता तुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो चूहे मेरे कान में चू चू कर रहे हैं। चू चू की आवाज सुनाई दे रही है। गोपू और क्या हो रहा है? बस यार एक बार निराली को प्रपोज मार दूं, फिर बीवी बच्चे सब हो जाएंगे। तू निराली और बीवी बच्चों के बारे में मत सोच यार, मैं हूं ना। तू बता
हेल्थ वाइज कैसा लग रहा है? हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज मुझे कुछ हो रहा है। हाँ, मेरा दाहिना हाथ बहुत खुजा रहा है। सही है, फिर बायां पैर खुजाएगा, फिर दायां, फिर पूरी बॉडी सर से पैर तक। सही है। अबे खुजली वाले कुत्ते, जब मेरा दाहिना हाथ खुजाता है तो जानता है ना मैं क्या करता हूँ? खुजाता है? नहीं, सबको धोता। नहीं माधव मेरे भाई, हाथ मत उठाना। गोपू बस अब कुछ पल का ही मेहमान है। इधर आ चिरकुट। तू मार, तू मार। अगर तू मारते मारते जाना चाहता है ना, तू मार। अबे क्या कर रहा है? अबे इतनी जोर से क्यों मार रहा है यार? अबे क्या कर रहा है? दर्दी की जगह है यार, क्या कर रहा है? अबे तू हर बात सीरियस क्यों ले लेता है? आओ, क्या कर रहा है? आओ, 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 क्या मरेगा ये? ऐसे तो हम लोग बस मर जाएंगे। अबे ज़ारा मिला था, जल्दी मर जा, मैं मर जाऊँ। सुन लो, सुबह से एड़ा बना रहे हो। चाय का कप मांगा, चाय सुनाई नहीं दी, खाली कप दे दिया। ए ओ, ए उड़ा, आ आ आ, ए आ आ आ, ए। अरे माँ क्या बच गया? क्या हुआ? ओनिया मर मर मर, ए। इयो। अरे कौन है? वो ऐड नहीं है। लगता है इसने गोपाल को पिलाने वाली चाय युवा। क्या बोल रहा है? हाँ, ये बोल रहा है कि लक्ष्मण ने तेरे जो चाय बनाई थी उसके बाद तो वो आइस ले उसके बाद गोपाल के लिए खास उसके बाद डालना और दालचीनी तो डालना ही है और लाल मिर्ची भी। चुप, हो सकता है चाय बना रहा है, पाया बना रहा है। कौन? इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये, मैं जानता हूं उन कमीनों को, जहर भी डुप्लीकेट लाए होंगे। How will they save? कब तक बचेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।